तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं TVS अपाचे आवरर 310। कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो आप लोगों को कोई नहीं बताता। वीडियोस तो आपने बहुत देखे होंगे, ब्लॉग्स बहुत देखे होंगे अपाचे 310 RR पे, पर जो मेरा वीडियो होने वाला है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है और काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में फ़ीचर्स रिवील करने वाला हूँ, क्या क्या फ़ीचर्स आ रहे हैं, नया मॉडल जो लॉन्च हुआ है हमारा 2023 और 2024 में जो आने वाला है वो क्या है। मैं आप लोगों को सारे फ़ीचर्स क्लियर कर दूँगा, क्या ऑन रोड प्राइस रहेगा, क्या माइलेज रहेगी, लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें जो आ रहा है वो काफ़ी स्पेशल आ रहा है, उसका भी काफ़ी बेनिफिट है। अगर मैं इसके माइलेज की बात करूँ तो 33 का माइलेज देती है लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में ये गाड़ी। काफ़ी सारे फ़ीचर्स दिए गए हैं गाड़ी में, ऐसी बात नहीं कि टाइम वेस्ट किया गया है कि हाँ वेस्ट ऑफ मनी है, बहुत ही स्पेशल है इस बार। अगर मैं इसके ये जो आप मॉडल देख रहे हो ये डिस्क डबल डिस्क में आ जाता है ड्यूल चैनल के साथ में। अगर मैं फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक आ जाता है इसमें। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है कलरफुल स्क्रीन के साथ में, कॉल किसी का कॉल आ रहा हो, मैसेज आ रहा हो, नेविगेशन हो, वॉइस असिस्ट हो, मतलब A to Z फीचर्स है इसमें। नेविगेशंस भी हमारी इसमें काम करती है, रोड बाय रोड जहाँ भी हमें टर्न करना है सारा रास्ता जो है हमें गाइड करती है, जो इसका फीचर काम करता है। 4 मोड मिल जाते हैं हमें इसमें। जो हमारा पहला मोड आ जाता है वो हमारा हो जाता है ट्रैक मोड, फिर इसमें अर्बन मोड है, स्पोर्ट मोड है, रेन मोड है। मतलब इन मोड से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, हमारी ड्राइविंग पे असर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए 310 आर इतनी बढ़िया आ जाएगी हमारी ये बाइक कि आप लोग इसे ये नहीं कि आप इसे लेने के बाद सोचोगे कि यार मैंने क्या ले लिया, पछता रहा हूँ। सीट आप देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार सीट आ रही है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो 180 mm की तो इसकी सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, जो बाइकों में काफ़ी बढ़िया आ जाती है। नहीं तो नॉर्मल बाइकों में ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम होती है, जैसे स्पोर्ट बाइक आप लोगों ने देखी होगी तो उनमें ग्राउंड क्लियरेंस करना काफ़ी कम होती है। तो उसमें क्या है, हमारी गाड़ी जो होती है नीचे टच हो जाती है, जैसे हम किसी चढ़ाई वगैरह से नीचे को आप डाउन आते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इसकी आप लोगों के सामने वेट की बात करूँ पूरी गाड़ी की, दिखने में मतलब अग्रेसिव सी लग रही है, ऐसा लगता है जैसे काफ़ी बड़ी सी बॉडी हो। तो जैसे मैंने आप लोगों से इसकी वेट की बात करी है तो वेट इसमें काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मतलब माइनर सा वेट, मतलब सही है, इतना नहीं है कि बहुत हैवी गाड़ी आ जाएगी, वेट इतना नहीं है। अगर मैं इसके गियर की बात करूं तो 6 स्पीड गियर आ जाते हैं इसमें, हमें जो गियर मिलते हैं वो 6 गियर आ जाते हैं। और इसकी जो नेविगेशन असिस्ट है वो काम कैसे करता है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। नेविगेशन असिस्ट का क्या होता है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, तो एप्लीकेशन के थ्रू ही इसके जो मोड्स है आप नेविगेशन वगैरह ट्रैक कर सकते हो। अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 314,500 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा, जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हैं। कलर ऑप्शंस इसमें ग्रे भी मिल जाता है और ये रेड कलर आप देख पा रहे हो। बाकी दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और